डेढ़ कटोरी पानी लिए हैं इस कटोरी से, इसी कटोरी से हम आटा गूंथेंगे। चावल का आटा और रागी का आटा मिला के हम रोटी बनाएंगे, जिसमें एक कटोरी चावल का आटा ले रहे हैं। और आधा कटोरी हम रागी का आटा ले रहे हैं। रागी का आटा आधा कटोरी ले रहे हैं। दोनों को मिला के हम रोटी बनाएंगे। इसको पहले गर्म पानी में इसको मिला के मिला लेंगे, उसके बाद इसको रेस्ट करने देंगे, और उसके बाद आपको दिखाते हैं कैसे रोटी बनाते हैं। इसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं सॉफ्टनेस के लिए और कढ़ाई में चिपके नहीं उसके लिए, और नमक थोड़ा डाल रहे हैं। ये गर्म हो जाएगा पानी, फिर इसमें हम मिलाएंगे चावल और रागी का आटा जो लिए हैं उसको मिलाएंगे हम। अब इसमें आटा गर्म पानी हो गया है, देखिए खोलने लगा है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके अब मिलाते जाएंगे इस तरह से। ठंडा पानी से सनेगा लेकिन फटफट टूटने लगता है, वो बाइंड नहीं ठीक से होता है। इसको उतार के थाल परात में रख लेंगे, और थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसको हम अच्छे से गूंद लेंगे। पूरा मिल गया है पानी जितना पानी दिए थे। अब इसमें पानी का जरूरत नहीं है, ये इसी के जो है इसमें उसी से गूंद जाएगा सब। अब इसको परात में निकाल लेंगे सारे को। पानी और आटा को मिला लिए हैं। अब इसको हम थोड़ा ठंडा होगा तो इसको भून देंगे। अभी बहुत गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाने से इसको भून के आपको दिखाते हैं। हो गया है, अभी इसको हम गूंद लेंगे अच्छे से। थोड़ा गर्म है लेकिन अभी गूंद लेंगे तो अच्छा से गूंदा मिल जाएगा सारा। ये रागी आपके लिए वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर शुगर सभी के लिए बहुत अच्छा है, और न्यूली मदर जो अभी अभी माँ बनी है उनके लिए ये रागी का आटा और रागी बहुत ही फायदेमंद है। उसे मिल्क प्रोडक्शन में बहुत फायदा होता है। ये वेट लॉस और डायबिटिक और ब्लड प्रेशर के लिए बहुत है। इसमें बहुत विटामिन और आयरन है, इसमें फाइबर भी बहुत है। आप बनाइए खाइए। देखिए हम गूंद लिए हैं इसको, अब रेस्ट करने देंगे। आधा घंटा रेस्ट करेगा, उसके बाद हम फिर बनाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। आटा सॉफ्ट हो गया है, इसको अब बनाएंगे रोटी। दिखाते हैं रोटी बना के कैसे बनाना। हाथ पे थोड़ा इस तरह मसल लेंगे। एक साइड पक गया है, उलट दिए हैं। ऐसे थोड़ा 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 घी चाहे तेल आप लगा के, हम तेल लगा रहे हैं रिफाइंड ऑयल। आप घी भी लगा सकते हैं। उतार लेंगे अब,
दूसरा भी इसी तरह डाल देंगे। दूसरा आपको सूखा बना के दिखाते हैं कि कैसे सूखा बनता है। जिस तरह रोटी फुलका बनता है उसी तरह ये भी बन जाता है, लेकिन हम थोड़ा तेल लगा के बना रहे हैं। अब इसको आग पर फुलाएंगे जैसे रोटी फुलका फुलाते हैं। बिना घी दिए हुए बनाने से फूल जाता है पूरा। इसमें घी, सूखा वाले में घी लगा देंगे थोड़ा सा, अच्छा लगता है खाने में। देखिए चावल और रागी का आटा का रोटी बनके तैयार हो गया है। इसको हम लौकी के आलू के सब्जी के साथ परोसे हैं। अब बनाइए, खाइए। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए। इस रागी के में बहुत ही विटामिन, आयरन, फाइबर सभी है। ये ब्लड प्रेशर, शुगर और वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इस सब्जी का रेसिपी भी हमारे चैनल पर डला हुआ है। और ये हम तेल लगा के बनाए, रिफाइंड ऑयल लगा के बनाए हैं। और ये सूखा रोटी बनाए हैं जिसको हम सेक के आग पे और इसमें घी लगाए हैं। आप दोनों तरह से बना सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे उस तरह से आप बना के खा सकते हैं। बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए। आपको और भी कोई रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपको रेसिपी बना के आपको देंगे। थैंक यू।